सो गाइस, सबसे पहले व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये छोटी 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 क्लिप्स दिखाना चाहती थी। ये मेरे रुड़की में सब्सक्राइबर्स मिले थे और ये सब्सक्राइबर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। वैसे सारे सब्सक्राइबर्स बहुत प्यारे होते हैं, बट कुछ होते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होते हैं, तो ये उनमें से एक है। और क्योंकि जैसे ही हमें मिले, मतलब वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग का फाटक लगा हुआ था, लेकिन ये स्पेशली रुकी और ये हमारे पास आए और ना ये रोने लग गए। मतलब इतना इनोसेंट इनका जो फीलिंग थी, इतने इनोसेंट थे ये कि भाई ये रो रहे हमें हमसे मिलके। और मुझे इतना ज़्यादा फील हो गया, ऐसा लग रहा था अगर ये 2-4 मिनट और होती तो मैं भी साथ में ही रोने लग जाती इनके। और मतलब सिर्फ एक वीडियो के थ्रू इतना प्यार पाना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और जब कोई स्पेशली वो सब्सक्राइबर तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, जो हमें एक होता है ना कि बस हम सामने से चले गए तो उन्होंने सिर्फ देखा, बट जो हमें देखकर बुलाते हैं और हमसे बात करते हैं, तो उन सब्सक्राइबर्स की बहुत अलग ही एक वो हो जाती है छाप दिल में कि यार वो कितने स्पेशल थे जो हमसे मिले और उन्होंने बातें करी। और मतलब जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, तो उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों को दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और ऐसे ही प्यार अपना देते रहना और अपनी ब्लेसिंग्स भी ऐसे ही हमेशा हमारे ऊपर देते रहना आप लोग। थैंक यू सो मच। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग 5:30 बजे से। और आज का दिन बहुत खास है, खास इसलिए क्योंकि आज मैं जा रही हूँ घर। वो भी बहुत, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से कभी भी इतना दूर रही नहीं हूँ। इनफैक्ट एक हफ्ते भी नहीं ऐसे कभी रही हूँ अलग। तो अभी मुझे हो गया है पूरा, काफ़ी दिन हो गया यार, 40-45 डेज शायद। तो आज है ट्रेन हमारी, वैसे कितने बजे की थी यार, 6 बजे की थी, कितनी लेट हो गई, मतलब 1 घंटा। 7 बजे आएगी अभी, 7 बजे तो मैं जा रही हूँ। और मुझे छोड़ने जा रहे हैं हमारे ससुर जी, तो आप लोग बने रहना ब्लॉग पे। और आप बोल रहे थे ना कि आपके मम्मी पापा को आप लोग, मतलब मेरे मम्मी पापा को आप लोग ब्लॉग में मिस कर रहे हो, तो अब देखोगे आप लोग मेरे मम्मी पापा को। तो तब तक मैं फ्रेश हो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस, पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन प्रिया और पापा को छोड़ने के लिए। तो वो दोनों थोड़ा आगे निकल गए थे, मैं थोड़ा लेट ना आया। तो अभी मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, वो दोनों उस पार खड़े हैं। वो रे, आपको दिखाता हूँ ऊपर से। और ये है गाइस रुड़की का रेलवे स्टेशन। तो दो भारी भारी बैग हैं, खाया कैसे होगा दोनों ने मिलके पता नहीं। वो रे गाइस देखो, प्रिया और पापा मुझे देख रहे चलते उन्हीं के पास। तो गाइस स्टेशन बैठे हुए हैं और आज इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। हंस रही है, दांत फाड़ फाड़ के हंस रही है, माइके जा रही है तो अपने दांत फाड़ फाड़ के हंस रही है। गाइस इसको मेरी कोई चिंता नहीं है और मैं यहाँ कल से रो रहा हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं रो नहीं रहता, नहीं पड़ता यार तुम्हें फर्क कब, तुम बदल गई हो। बाकी मैं किसी के बिना रह लूंगा, अंकित के बिना नहीं रह सकती। तुम बदल गई हो, बिल्कुल हिंदी है। हाँ, तेरा प्यार कभी नहीं बदल सकता तुम्हारे लिए। हाँ, खुशी हो रही है यार, मस्त पहले उठ सोऊंगी। दो दो सूटकेस भर लिए हैं गाइस। जान के मत बोलो। कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। झूठ बोल रहा है, एक्टिंग कर रहे हो सिर्फ, खुशी हो रही है। वैसे हमारा ना शादी के बाद पूरा 40-45 डेज मतलब एकदम साथ में ही थे एक दूसरे के, और इतना टाइम हमने कभी भी स्पेंड नहीं करा, कभी भी कहाँ करना भी कहाँ से था। वैसे भी लॉन्ग डिस्टेंस था तो एकदम से इतना ज़्यादा हमें टाइम मिल गया। और थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ा बहुत चलेगा, क्योंकि ज़्यादा दुख मुझे तब होता जब अंकित बहुत ज़्यादा दूर होते। बट इतना है कि मैं अंकित की शक्ल कभी कभी तो देखी नहीं। क्या है ये, क्या चल रहा है ये, एक्टिंग मार रहे हैं? तुम बाय, इतना इमोशनल। सो गाइस, ट्रेन आ गई और अंकित एक्टिंग कर रहे हैं। क्या गंदी सी एक्टिंग कर रहे हैं।
अंकित की एक्टिंग क्या है ये रोने वाला मुंह दोस्तों जो हंसी आ रही है अंकित ज्यादा एक्टिंग मार रहे हैं आज एक्टिंग में काम करो बाय ओके बाय सो गाइस हम लोगों का आ गया ब्रेकफास्ट मतलब हमने ये लिया है सॉरी तो मैंने ससुर जी से की डिमांड की मुझे सैंडविच दो डिमांड नहीं मतलब कि कहा था क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना सुबह इसलिए तो उसको खा लेते हैं हम लोग थोड़ा बट कैसा हो रहा है ये ठीक है ठीक है पापा को चाय की तड़प लगी है चाय पियेंगे पापा मीठा सो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता हुआ VIP अच्छा सो गाइज मम्मी और मैं बहुत सारी बातें कर रहे थे तो यहाँ पे मैं अपडेट देना भूल जा रही हूँ बार बार यार क्या करूँ मैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ लंच में बनाया आज जीरा राइस ठीक है और सब्ज़ी क्या है सब्ज़ी ये बनाई है एक टिंडे है शायद नहीं टिंडे मम्मी टिंडे क्या नहीं ओ सॉरी यार गाइस चप्पन कद्दू बोलते हैं इसको पर बहुत टेस्टी होता है पता ये नुकसान हो गया मुझसे गाइस और यहाँ पे है सैलेड और है साथ में रायता और साथ में आया मम्मी ने राजमा और मुझे तो खुशबू सुन के ही ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है रोटी बनाई है क्योंकि माँ के हाथ का खाना मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा जो स्वाद माँ के हाथों में है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है कहीं नहीं मिल सकता वो स्वाद और वो प्यार तो चलिए मैं सर्व कर देती हूँ पहले फिर मिलती हूँ आपको चलो लंच करो आप लोग अब मम्मी लगी है रगड़म पट्टी करने में यहाँ पे करो माँ आज तुम्हारे नाम है सारा काम काम क्या है क्या काम क्या है जो भी है क्या मजे ही मजे मम्मी ने बनाए मेरे नूडल्स नूडल्स बनाए और सूप बनाया है किस चीज़ का सूप बनाया टमाटो सूप बनाया घर में बनाया नहीं अच्छा और दोस्तों हमारे ना घर में कोई आ रखा है इसलिए मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना रही हूँ खाना भी खाऊंगी अब इसमें आज मेरी बातें ही खत्म नहीं हो रही है यहाँ पे आके और क्योंकि ऐसा है कि मैं बहुत सारी बातें अपनी मम्मी के साथ ही करती थी हमेशा से और इतने टाइम बाद बात कर रही हूँ वहाँ पे भी मैं ज़्यादा फ़ोन में बात नहीं करती हूँ मम्मी औरों से थोड़ा मुझे अजीब लगता है मैं फ़ोन ही नहीं करती इन लोगों को पता नहीं क्यों वहाँ पे जाके और मैंने मतलब मुझे लगता है हार्डली मैंने शायद कभी किया ही नहीं इनको फ़ोन वहाँ पे इन लोगों का ही आया 3-4 बारी और जो कॉल करने की जो ड्यूटी थी वो अंकित ही करते थे इनको कॉल मेरी साइड से कभी कॉल ही नहीं आया तो अभी हमने डिनर भी कर लिया और यार मैं दिखा भी नहीं पाई सॉरी क्या बना था नूडल सूप था आज के मेन्यू में और नॉनवेज बनाया था चिकन पापा के लिए ससुर जी के लिए हम तो खाते नहीं हैं और हमारे लिए वेजी था एंड अब फाइनल मैं लास्ट पी रही हूँ अपना दूध ठीक है
तो देखती हूँ अभी इस व्लॉग में क्या क्या ऐड ऑन करूँगी, ठीक है? आप लोग बने रहना। तो दोस्तों हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और अभी मॉर्निंग में बना है आलू का पराठा और दही। यहाँ है ससुर जी और उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया, मैं लेट आई हूँ। पापा भी हैं यहाँ पे। पापा अच्छे हो रहे आलू के पराठे? ये वाले अच्छे हैं कि जो मैंने बनाए थे? मुझे बराबर है। ठीक है ठीक है, पापा ने निकलना है रुड़की के लिए वापस। उन्होंने मैं फंस जाऊंगा अगर कमी निकाली तो बहू के उसमें फंस जाऊंगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो कमी है वो तो बता ही सकते हैं भाई। नहीं ठीक ठीक, मैं भी खा लेती हूँ फिर आपको देते रहेंगे छोटी छोटी अपडेट्स। पापा के जाने की तैयारी हो रही है, वापसी वापसी की टिकट कट रही है। अरे अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अरे कुछ नहीं होता इसको। ठीक है चलो, ठीक है फिर, आप आ जाना फिर आप ही। हाँ जी हाँ जी, तो देखते बैठो, देखते हैं जब हाँ ये बात करें कि नहीं। चलो बाय बाय, ठीक है आराम से जाना, पहुँच जाओगे फोन कर देना। बाय बाय। सो गाइस आज उससे यहाँ पर बहुत खास मेहमान मिलने आया है। कैसे बेताब हो रहा है मिलने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ, जिसका आप ब्लॉग में बहुत देखा करते थे। ये रही, आ रही हूँ मैं, बाहर आ रही हूँ। इसको यार रोटी तो हमने दे दी पर ये गाजर है, एक बात इसको। चल भाई बाहर चल, तो ये बहुत बड़ी लग रही है मुझे। चल रहे चल 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 बाहर चल बाहर 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 चल बाहर चल। अरे भाई तो कितनी बड़ी हो गई है यार। रुक रुक, आ जा आ जा इधर, आ जा इधर, आ अरे भाई कितनी बड़ी हो गई है, ऐसा लग रहा है मुझे। अरे गिर गया ये, इसको खिला देती हूँ। तुम बहुत बड़ी हो गई हो। बच्ची ये बहुत बड़ी हो गई है भाई, तुमको हमारी याद नहीं आई क्या? ओ प्यार कर रही है ये। कुछ भी लाई दे दिया ना हमें, दे दिया। अंदर जाने के लिए कर रही है, घर के अंदर जाने के लिए। और कितनी बड़ी हो गई है ये, चलो बाहर चल बाहर। छोटी सी थी, अरे दे दे। एक डेढ़ महीने में इतना फर्क पड़ गया इसकी बॉडी में। चल गुस्सा कर रही है, गुस्सा अंदर नहीं आने दे रही। आ जा यार गुस्सा मत कर, बहुत बड़ी हो गई। चलो गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, चल चलो हो गया यार, अब चलो चलते बनो, अभी चलते बनो, चलो चलो अभी जाएगी नहीं, कितने नखरे। चलो 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 चलो, ये नहीं खाना यार, ये प्लांट्स है हमारे। ओए ये पौधे खा रही है, चल चल आ जा, चलो 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 चलो। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, मैं तो उसको ठगा रही है मम्मी। ओए को बाहर नहीं जाना है, चल यार नहीं आएगी, उसको पता है, झूठ बोल रहे हैं। चलो उसके दुश्मन आ गए, चलो को नहीं पता, चलो को नहीं पता। ओहो देखा, वो भी आ गए कि उसको उसको प्यार कर रहे हैं करके। तू चाहे मेरे हाथ जोड़ ले, मैं तेरे को प्यार नहीं करता। हां ये है, ये है, ये है। भौंके को भौंक रहे, भौंक रहे हैं, तो मत करो, गाय को मजा आ रहा है। ओए ओए सारा सारा
सो गाइज अभी आ रखी है मेरी बहनें मुझसे मिलने के लिए घर पे, और ये मुझे शादी के बाद जैसे मैं पग से लेने आई थी तब देखा था इन्होंने मुझे, लेकिन उसके बाद सीधा हम अब मिल रहे हैं। और शादी के बाद मिलने की एक अलग ही खुशी और एक एक्साइटमेंट रहती है, ये बात सच है। और जब शादी हो जाती है वो चीज तभी समझ आती है, शायद इन लोगों को नहीं आ रही है, लेकिन अब मेरी शादी होगी मुझे समझ आ रही है कि मतलब मायके वालों से मिलने की खुशी तो ऐसी होती है कि जैसे जब रिजल्ट आ जाता है और आपके मार्क्स ए प्लस आए, वैसी वाली खुशी मतलब। तो अभी ये यहाँ पे आ रखे हैं, और यहाँ मेरी चाचा की बेटियाँ हैं, ये तो मेरी सिस्टर्स हैं, ये रितु है और ये है दीक्षा, और हम बैठ के पी रहे हैं चाय। तो जानते हैं रितु को तो पहले पुराने व्लॉग्स में काफी देखा होगा आपने, तो पहले इनसे पूछ लेते हैं कि इनको मुझसे मिलके अभी कैसा लग रहा है। दीक्षा कैसा लग रहा है मिलके? नहीं यार, इतनी जल्दी कोई सेटल हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है नहीं है? अभी ऐसे मैरिड लुक में मेरे को ऐसे दिख के वैसे कुछ खास वो नहीं है दोस्तों, मैंने नॉर्मली लोअर टी शर्ट में हूँ, सिर्फ सिंदूर अप्लाई किया, बट इससे क्या होता है कि जो लड़की का लुक है वो टोटली चेंज हो जाता है। तो तुमको कैसा लग रहा है मेरे को ऐसे लुक में दिख के? सुंदर लग रहा है यार। पुरानी प्रिया दीदी को मिस कर रही हूँ, ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। रितु जब से आई तब से यही बोल रही है कि दीदी यार आप बड़े अच्छे लग रहे हो ऐसे लुक में। चलो ठीक है, थोड़े सांवले हो गए लेकिन अच्छे लग रहे हो। हाँ ये भी मुझे यही बोल रहे हैं कि थोड़ा जो मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क हो गया है, ये भी मुझे यही बात कह रहे हैं। और जैसे मेरी मम्मी भी कह यस घूम घूम के होगी शायद, और एक नई जगह पे जाके थोड़ा होता ही है, एंड माइट भी थोड़ा सा वहाँ और यहाँ की थोड़ा पानी वानी चेंज में भी हो जाता है। तो अभी जब तक यहाँ पे हैं शायद तब तक रंग फिर से हो जाए, इक्वल बेस पे आ जाए जो पहले था। तो अभी हम लोग पी लेते हैं चाय, फिर करेंगे ढेर सारी बातें और आपको देते रहेंगे छोटे छोटे अपडेट। चलिए भोग लग। तो दोस्तों अब हमारा हो रहा है डिनर, और आज डिनर में है बहुत ही स्वादिष्ट सांभर और इडली, और साथ में है हरी चटनी जो कि भेजी है मेरी चाची ने मेरे लिए। और चाची साउथ इंडियन फूड जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है, और अभी तो वो आई नहीं, मैं उनसे मिलूंगी तो वीडियो के माध्यम से बोलूंगी थैंक यू सो मच चाची, इतनी दूर से भी मिले इतना भर भर के राशन भेजने के लिए। इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है और स्पेशली आए मिलने के लिए, और वो भी क्योंकि मुझे चाची के हाथ का ये बहुत पसंद है। तो क्या बोलें दोस्तों, हा हा हा, ये मायके का प्यार दोस्तों। आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल समझ रहे हो भाई, जो अनमैरिड है वो शायद इस फीलिंग को ना समझे, बट जो मैरिड है ना वो इनकार नहीं कर सकते इस फीलिंग को समझने के लिए कि जो मायके का प्यार होता है वो शादी के बाद कितना याद आता है। चाहे ससुराल वाले मतलब हो कितने भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि वो बहुत अत्याचारी है, ऐसा वाला सीन नहीं है, पर अपने मायके की बात कुछ अलग होती है। यहाँ पर आपको सभी प्यार देते हैं, बस पुचकारते रहते हैं, आपकी डिमांड्स पूरी करते रहते हैं। तो बस ये वही चीज है जो कि प्यार है, ठीक है, चाहे जैसा भी है, जिसने मेरे लिए मेहनत करी है इतने प्यार से भेजा है। तो मैं फटाफट से खा लेती हूँ ज़्यादा मुँह ना चलाते हुए, और आपको छोटी छोटी अपडेट्स मैं देती हूँ। सो गाइज यहाँ पर हम देख रहे हैं मेरी शादी की वीडियो जो कि अभी आई है, मैंने भी सही से नहीं देखी है, और यहाँ पर एकदम एंटरटेनमेंट हब बन चुका है कम्बल के अंदर मस्त करके। तो साथ में इनके रिव्यूज लेते रहेंगे कि इनको कैसा लग रहा है। कैसा लगा वैसे तुम्हें दीदी की शादी? सेलिब्रिटी लाइक दोस्त ये बोल रहे हैं एकदम सेलिब्रिटी वाली वेडिंग वाली फीलिंग आ रही है इनको ऐसा वैसे। चलो जैसे ही देख लो दोस्तों, ये हीरो हीरोइन। और अगर आपको शादी की सीडी देखनी है, मतलब मेरी सॉरी जो वीडियो है वो देखनी है, तो आप बताना, मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर ज्यादा कॉमेंट आए इस चीज़ के लिए तब कॉम्प्लीमेंट्स ले रही हूँ, एकदम से कैप्चर कर रहे हो, क्या कह रहे हो तुम लोग भाई जी, जो पूरे महाराजा वाली वाइब दे रहे थे पूरी, एंड वाइट शेरवानी पूरी एकदम, मतलब सच में पापा भी बहुत तारीफ कर रहे थे, पूरे एकदम महाराजा लग रहे थे। भाई अंकित यहाँ देख लो, आपकी तारीफों के पुल बांध रही हैं आपकी सालियां यहाँ पर। और दोस्तों एकदम से कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ ना मैं, जैसे जैसे तारीफें कर रही है लोग, तो काफी इंजॉय किया इट मीन्स इन्होंने मिलके ना। बहुत फुल एंजॉयमेंट भाई, सालियां थी आफ्टर ऑल, है ना, बनता तो था पूरा पूरा। तो अब देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हमने ये वीडियो क्लिप ना जो व्लॉग होने वाला है, कंटिन्यू कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, बस आपको अपने घर की छोटी छोटी मेमोरीज मैं दिखाऊंगी, वैसे तो अपने लिए कैप्चर कर रही हूँ, अपनी यादों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, मतलब जो मेरे मोमेंट्स हैं वो शेयर कर रही हूँ। तो इस टाइम पे दोस्तों हम लोग खा रहे हैं होममेड चाउमीन जो कि बनाए हैं मेरे पापा ने, और बहुत सारी वेजीज डाल के। तो दिस इज कॉल्ड मायके के मज़े।
यहाँ पर है मेरी बहनें दीक्षा एंड रितु साथ में, और ये है हमारा मिरिंडा। तो दोस्तों बिस्तर पे बैठे बैठे पूरी सर्विस चल रही है यहाँ पर मजे से। क्या है ये गंदी सी।